प्यारे बच्चों, किसी जंगल में हीरा चिड़िया, सोनी चिड़िया और उसकी बेटी मोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी रहते होते हैं। इनकी बेटी मोना चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा सुंदरता होती है। मोना चिड़िया खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहा की जहन भी होती है। मामा जी, देखो मेरी क्लास में पहली पोजीशन आई है, तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? मोना चिड़िया के मामा पापा इंतहा के खुश होते होंगे इनकी बेटी की स्कूल में पहली पोजीशन जो आई होती है। मेरी बेटी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपकी पहली पोजीशन आएगी। अरे अरे, क्या हुआ है? आज तो माँ बेटी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। पापा जी, मेरी क्लास में पहली पोजीशन जो आई है, इसलिए मैं और मामा बहुत खुश हो रहे हैं। अचानक ही सोनी चिड़िया बेहोश होके गिर जाती है। मामा जी, आपको क्या हो गया है? अभी तो आप मेरी पहली पोजीशन आने पे बहुत खुश हो रही थी और अब अचानक बेहोश होके गिर गई है। पापा देखो, भला मामा को क्या हुआ है? ऐसे हीरा चिड़िया अपनी बीवी को अस्पताल लेकर चला जाता है। अस्पताल में तोता डॉक्टर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार होता है, और जंगल के सारे पंछी अपना इलाज करवाने के लिए तोते डॉक्टर के पास आते होते हैं। काली कवि भी होती है, जो कि नर्स के तौर पे इस अस्पताल में काम कर रही होती है। वो भी बहुत अच्छी होती है और लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत कर रही होती है। मोना चिड़िया, मेरी बात सुनिए, ये आपकी बेगम है ना? जी डॉक्टर जी, ये मेरी बेगम है। इनको क्या हो गया है? आप इनका अच्छे से इलाज कर दें। मैं, मेरी बेगम और मेरी बेटी, हम बहुत ज्यादा हंसी खुशी रह रही होती है। मैं तो अपनी बेगम के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज डॉक्टर जी, आप मेरी बेगम का अच्छे से इलाज कीजिए। आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ, आपकी एक छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन आपकी बेगम जन ही दिनों की मेहमान है। आपकी बेगम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं कर सकता और ना मैं कर सकता हूँ। बेड पे लेटी हुई सोनी चिड़िया ये सारी बातें सुन रही होती हैं। मोना बेटा, मेरी बात सुनिए। जी मामा जी, देखो बेटा, डॉक्टर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी बताई है। पता नहीं मैं कितने दिनों की इस दुनिया में मेहमान हूँ, पर आप मुझसे एक वादा करो कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आपके पापा आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और आपको खुश रहना होगा मेरी खातिर, मेरे बेटा। नहीं मामा जी, आपको हम कुछ भी नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करें ना। हीरा चिड़िया भी ऊपर से आ जाते हैं। अरे बेगम, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? छोटी सी बच्ची है, आप उसको डरा रही हैं। आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपका इलाज किसी और डॉक्टर से जाके करवाऊंगा और मेहनत मजदूरी करके, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, फिर भी आपका मैं इलाज जरूर करवाऊंगा। आप परेशान ना हो, आप चिंता मत करें। ऐसी बातें करते करते सोनी चिड़िया तो वहीं मर जाती है। मोना चिड़िया अपनी माँ के जाने के बाद बहुत रोती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे, हीरा चिड़िया, आपकी बेगम को क्या हुआ है? हमने सुना है कि वो तो मर गई है। ये जंगल की नीली चिड़िया होती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और थोड़ी सी चमक चिलो सी भी होती है। क्या बताऊं जी, वो बीमार हुई थी, मैं उन्हें डॉक्टर के पास भी ले गया था और डॉक्टर ने उनको बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी बताई थी और आखिरकार वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गई है। मैं और मेरी बेटी बहुत परेशान हैं,
हमको तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। ऊपर से मनसिया आ जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा जी आप घर कब आओगे? आपको तो पता है ना, अब तो घर में मामा भी नहीं है और मेरी अकेली का तो घर में दिल ही नहीं लगता। अरे अरे देखो ये इतनी प्यारी बच्ची है ना। जी बेटा जी, मैं अभी घर आ रहा हूँ। आपकी आंटी नीली चिड़िया आपकी मामा के बारे में पूछ रही है। बेटा जी आप कैसी हैं? मैं आपकी मामा हूँ। ओह सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मैं आपकी आंटी हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसी हैं। आंटी जी मैं ठीक हूँ, पर मामा के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मोना वहाँ से जब चली जाती है तो नीली चिड़िया कहती है कि हेरा देखो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है, इनको अभी अपनी माँ की ज़रूरत है। नीली चिड़िया कह तो आप ठीक ही रही हैं, पर अब मैं इसकी माँ को कहाँ से लेकर आऊँ भला? हीरा चिड़िया आपको तो पता है ना, मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करती थी शुरू से ही, लेकिन आपने तो जाके सोनी चिड़िया से शादी रचा ली थी। मैं तो अब भी आपके इंतज़ार में हूँ। मैं आपका और आपकी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। इस तरह हीरा चिड़िया नीली चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो नीली चिड़िया बहुत ज़्यादा मोना को प्यार देती रहती हैं और उनका ख्याल भी रखती हैं। अरे मेरी तो ये प्यारी सी बच्ची है, मेरा और अपने पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मामा जी आप भी तो हमारा इतना ख्याल रखती हैं। जी मेरा बच्चा ये तो है, ये तो मेरा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना, क्योंकि मैंने आपके पापा से वादा किया था कि मैं आपका और आपकी बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरी प्यारी बेटी अपने पापा के लिए खाना बना लो, आपको पता तो है ना वो जब काम से आते हैं तो फौरन ही खाना मांगते हैं। जी मामा जी, जी मामा जी मैंने बर्तन धो लिए हैं, घर की सफाई भी कर ली, अब अपने पापा के लिए खाना बना देती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन वो भी आ जाता है कि जब नीली चिड़िया की अपनी बेटी हो जाती है, जिनका वो नाम रखती है चांदनी। चांदनी भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है अपनी बहन मोना चिड़िया की तरह, मगर होता क्या है कि अब नीली चिड़िया को मोना चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उनकी अपनी बेटी जो आ चुकी होती है वो हर वक्त मोना से लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है और उसकी शिकायतें लगाती रहती है अपने पति से। मोना मोना आप कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो, आपको तो काम करना ही नहीं आता है, लगता है आपकी माँ भी ऐसी थी और आपकी माँ ने आपको कुछ भी नहीं सिखाया था और ऐसे ही वो दुनिया से चली गई है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी चांदनी को बहुत कुछ सिखा। मोना अपनी माँ का ये रवैया देख के बहुत हैरान रह जाती है। अब तो उनको अपनी माँ की याद भी बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि पहले तो नीली चिड़िया इनसे बहुत प्यार करती थी और इस तरह मोना को अपनी माँ की याद नहीं आती थी। मामा जी आप मुझे क्यों छोड़ के चली गई हैं? देखिए मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। एक दिन नीली चिड़िया अपने पति के साथ बाहर चली जाती है। अरे अरे मोना चिड़िया